मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में नए साल के मौके पर कांग्रेस ने नया नारा दिया, नया साल नई सरकार। कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में जगह जगह नए नारे के होल्डिंग और पोस्टर चस्पा किए हैं। इनमें कमलनाथ के फोटो हैं, जिन्हें भावी मुख्यमंत्री लिखा गया है। कांग्रेस के इन पोस्टर पर राजनीति भी गर्मा गई है, बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा में नवी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नई दिल्ली में उन्होंने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया। राहुल ने दावा करते हुए कहा, मैं आपको एक बात लिख कर देता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतेगी, भाजपा वहां दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश में तूफान आया हुआ है और वहां हर कोई जानता है कि भाजपा ने वहां पैसे देकर सरकार बनाई है। पूरा प्रदेश गुस्से में है। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। नए साल की शुरुआत कई लोग भगवान के आशीर्वाद से करते हैं। हर साल उज्जैन के महाकाल मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी रविवार सोमवार को 6 लाख श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। श्रद्धालुओं को महाकाल लोक से ही एंट्री मिलेगी। लड्डू प्रसादी के लिए भी डबल डिमांड दी हुई है। वहीं इस साल भी ऑनलाइन होने वाली भस्म आरती की अनुमति 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए ब्लॉक कर दी है। इंदौर ने स्वच्छता के मामले में जहां देश दुनिया में नाम कमाया है, वहीं सड़क हादसों को लेकर इसकी छवि पर दाग लगता दिख रहा है। दरअसल वाहनों की गति सीमा अधिक होने के कारण हो रही दुर्घटनाओं के मामले में इंदौर ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि चेन्नई हादसों में पहले नंबर पर है। इसके अलावा कुल सड़क हादसों और दुर्घटना में मौत के मामलों में भी इजाफा हुआ है। इसमें भी इंदौर की रैंकिंग बढ़ गई है। बीते 5 सालों में सड़क हादसों में सबसे अधिक जाने 2021 में गई है। उज्जैन में बैरवा समाज द्वारा 3 दिवसीय आयोजन के तहत स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, जिसका समापन जनवरी को होगा। बैरवा दिवस पर प्रातः 6 बजे बागपुरा स्थित बालीनाथ मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई। रैली में ढोल नगाड़ों के साथ संत शिरोमणि बालीनाथ भी महाराज का रथ भी निकाला गया। रैली का जगह जगह समाज व अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा स्वागत किया गया। को लाइक करें, शेयर करें। मधुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।